दोस्तों, मैं चंदन कुमार फिर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ज्यामिति का अगला भाग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लेकर। आशा करते हैं आप लोगों को पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग आज पाइथागोरस के विलोम को देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? कथन कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। अब आइए इसमें चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा इसमें हमने लिया किसको? एसी को। जब एसी हमारा बड़ी भुजा है, तो अन्य दो भुजा यानी कि ए बी और बी सी छोटी भुजा होगी। यहाँ कहना है कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी किसका किसका है? ए बी। अन्य दो भुजाओं हमारा बन गया ए बी और बी सी के वर्गों का योग, वर्ग के मतलब स्क्वायर और जोड़ के मतलब जोड़, के क्या हो? बराबर हो, के बराबर हो, तो बड़ी भुजा यानी एसी, या एसी मतलब ये, तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण। अब सामने वाला कोण कहना है, इसका मतलब ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या होगा? समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। चित्र कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखाए हैं। आइए फिर विशेष प्रतिज्ञा में देखते हैं। हमने विशेष प्रतिज्ञा में लिया क्या? माना ए बी सी एक त्रिभुज है बिल्कुल, जिसमें दिया है क्या? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसको हमने समझाया है चित्र के माध्यम से। तो हमें साबित करना है क्या? कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो हमें साबित करनी है कोण बी बराबर 90 डिग्री। आइए इसको साबित करते हैं। आइए अब इसको जो साबित करना है हमें कि कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा, तो थोड़ा सा कुछ रचना लेते हैं। आइए रचना क्या लेते हैं? रचना में हम लोग लिखेंगे, पिछले क्लास में बताया था रचना के बारे में क्या होता है रचना। आइए रचना लेंगे। हम रचना में एक समकोण त्रिभुज लेंगे, यानी कि कहने का मतलब हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जब लिया, जिसका नाम हमने रखने वाले हैं क्या? एबीसी है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ई और यह। इसमें कुछ नहीं करना है, कोण ई को हमने मान लिया क्या? 90 डिग्री। जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण को 90 डिग्री रखना ही होगा। और दूसरी बात क्या करना है कि हमने जो ये डी ई भुजा खींचा है किसके बराबर खींचा है? ए बी के बराबर खींचा है। और बी सी भुजा जो खींचा है वो किसके बराबर खींचा है? तो ई एफ भुजा जो खींचा है वो बी एफ बी सी के बराबर होगा, यानी रचना में ये दोनों लेना है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे रचना में? आइए रचना में लिखते हैं क्या? डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज खींचा, समकोण त्रिभुज खींचा जिसमें क्या है? कोणी बराबर 90 डिग्री, कोणी बराबर 90 डिग्री तथा क्या? ए बी बराबर डी ई और ए बी बराबर डी ई और क्या? बी सी बराबर ई एफ है, और बी सी बराबर ई एफ है, बिल्कुल है, बी सी बराबर ई एफ है। अब ये हमारा रचना हो गया। अब करते हैं प्रमाण। आइए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में ही हम प्रमाणित शुरू करते हैं। प्रमाणित का मतलब हो गया साबित करना। तो आइए प्रमाण करते हैं। अब सारा बात सबसे पहले हम रचना पर आएंगे कि रचना में हमारा एक समकोण त्रिभुज मिला है। समकोण त्रिभुज अभी हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज यदि हो जाए उसमें, तो हम क्या कहते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो आइए त्रिभुज हम डी ई एफ में चलते हैं। त्रिभुज डी ई एफ
में क्या है त्रिभुज डी एफ में? त्रिभुज डी एफ में हमें कोण ई बराबर 90 डिग्री मिल गया, कोण ई बराबर 90 डिग्री। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई भी कोण जब 90 डिग्री किसी भी त्रिभुज में मिल जाए तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं क्या, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय से बिना सोचे समझे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, क्या कहता है, क्या बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 90 डिग्री सामने वाली बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा हमारा क्या हो गया इसमें, डी एफ यानी कि हो गया हमारा डी एफ स्क्वायर बराबर क्या, छोटी छोटी भुजाएं डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं, या करके हम यहां से लिख सकते हैं क्या, या से अभी आपने रचना में बोला कि रचना में हमने दिखाया एक बात कि DE जो AB के बराबर है और EF है जो BC के बराबर है। जी सर, तो आइए आगे बढ़ते हैं क्या, या DF स्क्वायर बराबर D के स्थान पर AB रिप्लेस करेंगे, AB स्क्वायर प्लस EF के स्थान पर BC, BC स्क्वायर इक्वेशन इसको देंगे क्या, किस नाम से, फर्स्ट के नाम से। परंतु अब एक बात देखिए, विशेष प्रतिज्ञा में आपको ये बात दिया हुआ था, विशेष प्रतिज्ञा में आपको ये बातें दिया हुआ था, तो लिखेंगे क्या, परंतु, परंतु क्या दिया है, दिया है परंतु दिया है, परंतु दिया है क्या दिया है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लीजिए जो बात ऊपर हमने साबित किया वही दिया हुआ है, ये अपना हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब छोटी सी बात है कि इसका फर्स्ट वाला का राइट पार्ट और सेकेंड वाला का राइट पार्ट बराबर है, ये तो डाटा दोनों में सेम सेम है, दोनों का क्या है सेम है, तो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, जब राइट साइड बराबर है यानी कि दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष भी बराबर होगा, तो हम लिखेंगे यहां से क्या, इसलिए आइए नीचे मिटा देते हैं इसको, सॉरी इसको तो रहने देते हैं, इसलिए क्या समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तुलनात्मक विधि, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो गया, ये बराबर तो ये भी बराबर यानी कि हमारा हो गया डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। जी अब दोनों और आप गर्मी लगाइए या फिर स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आइए हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर डायरेक्ट हटा देते हैं ना, यानी स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, या करके हम लिख सकते हैं क्या डी एफ बराबर AC, ये हमें मिल गया क्या। अब जब हम दो भुजा बराबर लिए थे क्या, DE बराबर AB लिए थे, EF बराबर BC लिए, तो हमने साबित कर लिया कि अब AC भुजा DF के बराबर है, ये AC भुजा जो है DF के बराबर है, हमने ये साबित कर लिया। अब हम तीनों भुजा जब संगत तीनों भुजा के बराबर है तो सर्वांशन कर देंगे, आइए करते हैं। अब क्या, अब आते हैं त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ABC में, या कोई भी को आप किसी को भी आगे किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ABC में क्या है, भुजा DE इक्वल टू AB कहां से, आपने लिया था रचना से, सही बात, भुजा ई एफ इक्वल टू BC कहां से, रचना से, और भुजा क्या, भुजा डी एफ इक्वल टू क्या AC कहां से लाए आप, साबित किए अभी, आप साबित किए थे
साबित, तो लिख देंगे इसको साबित किया। चलिए ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यस यस यस, 9 क्लास में देखेंगे, उसका भी वीडियो अपलोड होगा। हम 9 क्लास में ये बात है कि सर्वांगसमता जो काला था क्या, यस यस यस, यानी कि भुजा 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 सर्वांगसमता। आइए तो लिखते हैं क्या, इसलिए यस 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 सर्वांग समता से, क्या है ऐसे सर्वांग समता से, त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। अब आइए इधर करते हैं, सर्वांग समता से, तो इसलिए सर्वांग समता के गुण से, सर्वांग समता के गुण। आइए आपको थोड़ा सा बताते हैं कि सर्वांग समता का गुण आखिर है क्या। सर्वांग समता का गुण कहता है कि यदि दो त्रिभुजे सर्वांगसम हो जाए तो उसके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर और बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर। जब हम लोग सर्वांग समता हेडिंग देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना बात आप रख ध्यान रखिए कि सर्वांग समता का मतलब हो गया कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसके बराबर बराबर जो बराबर बराबर जो संगत भुजा होगा, यानी कि बराबर संगत भुजाएं, यानी संगत भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं क्या, कोण ई बराबर क्या, कोण बी। अब अभी आप बताइए कि रचना में आपने लिया था कोण ई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो या करके हम लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री बराबर कोण बी, या फिर आप पकड़ के लिख दीजिए क्या, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम हमें क्या सिखाता है, हमें कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, या फिर पलट के कह दीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सीखे हैं। पिछले कोई एक बच्चा का कमेंट पढ़ा था मैंने, कि उसमें लिखा हुआ था सर आप लंबे मेथड से किए हैं, तो थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि ये जो हम सीख रहे हैं 10 क्लास के लिए है। तो 10 क्लास में आपको सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि सब्जेक्टिव में लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव जिसको हम लोग कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब वर्णात्मक होता है, वर्णात्मक कहने का मतलब हम लोग वर्णन उसमें करते हैं, तो आप वर्णन कीजिएगा तो अधिक शब्दों में आपको प्रयोग करना होगा, कहा जाता है कि मिनिमम 200 शब्द, तो हम उसी को लेकर चलते हुए 200 शब्दों में कोशिश किए थे कि थोड़ा सा आप लॉन्ग मेथड से सीखे तो और अच्छी बात है। जब आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कीजिएगा तो आप छोटे मेथड से सीख सकते हैं, हालांकि हमारा वीडियो उस लेवल पे भी आएगा कॉम्पिटिटिव लेवल तक। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आपकी मर्जी, वीडियो पसंद आए तो आगे वीडियो को देख सकते हैं, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। थैंक यू।